मैंने 30 दिन यानी 1 महीना सोलो ट्रेवल किया है, उसके कई सारे एक्सपीरियंसेस बताने हैं, कई सारे लोगों को थैंक यू भी बोलना है। लेकिन उससे पहले मैंने 1 मिनट का ना अपनी इस पूरी जर्नी का डॉक्यूमेंट किया है, वो देखो फिर बताता हूँ। सो मैं हूँ इस समय अयोध्या में, तो मैं हूँ बनारस में, तो मैं आ गया हूँ बोधगया बिहार में, और हमारे पीछे महाबोधि मंदिर रेडी है पारसनाथ जाने के लिए। अब रेडी जिस ट्रैक पे मैं हूँ ये पारसनाथ के, मैं हूँ अभी इधर जूना रांची झारखंड में, आ गया हूँ उड़ीसा संबलपुर जगह पे, तो मैं हूँ छत्तीसगढ़ रायपुर में, वी आर एट सन टेम्पल कोणार्क, तो आज मैं हूँ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, तो मैं हूँ भैरमपुर उड़ीसा में, मैं हूँ कोरापुट उड़ीसा में, और लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इधर क्या करूँ मैं हूँ रात के 4 बजे विशाखापट्टनम की गलियों में, मैं अभी हूँ सिमाचलम आंध्र प्रदेश, हाँ तो मैं हूँ गाइस सिमाचलम में, तो मैं हूँ विजयवाड़ा में, तो मैं हूँ तिरुपति बालाजी त्रिमाला में, तो मैं हूँ धनुषकोडी में, इधर पर श्रीलंका उधर कहीं होगा, और रामेश्वरम में हम इधर पर हैं। तो यार मैं आ चुका हूँ कन्याकुमारी में, तो यार मैं हूँ कोयम्बतूर आदि योगी के पास। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, बाकी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यार इतना घूमने के बाद बहुत सारी चीजें सीखने को मिली यार, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, मतलब क्या होता है ना घर पे रहते हैं तो पता नहीं चलता कितने काइंड लोग हैं दुनिया में, बट जब बाहर निकलो तो जनरली लोग अच्छे हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो यार हमने कहाँ से सफर शुरू किया था, हमने अयोध्या से किया था, और अभी 25 दिन हो चुके हैं, 2500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हम कर चुके हैं पूरा। ये पीछे आप देख रहे हो ना पूरा डेड एंड है, लाइक इसके आगे कुछ भी नहीं है, इंडियन ओशन है और उसके बाद अंटार्कटिका बहुत दूर है। और पता नहीं आप 25 दिन ये कैसे निकल गए यार, कहाँ मैं अयोध्या में था, अयोध्या में मैं बहुत डर रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, बनारस में भी थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे सफ़र निकलता गया कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और नई नई चीज़ें होने लगी, अच्छी अच्छा अब मज़े आने लगे, थोड़ा सा थोड़ी सी दिक्कतें भी आई बट ठीक है यार, थोड़ी दिक्कतें भी ओके है। और उधर पीछे आप देख रहे होगे तमिल स्कॉलर है, ठीक है वो इसका स्टैचू है, और यार क्या सही जगह है, इधर क्या हवा चलती है, मतलब मैंने कहा अयोध्या से शुरू किया था और मेरा ये गोल था कि यार इधर पर आना है कन्याकुमारी में, और अपना ये ना सोलो ट्रैवल जो 25-30 दिन का था वो कंप्लीट करना है। अभी मैं बोट पे हूँ, इधर पर बीच, इधर पर बीच है, समंदर है उस साइड, उधर पर फेरी वगैरह जाती है उधर, मतलब देखने के लिए उधर पर एक थोड़ा छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा मंदिर टाइप का है, विवेकानंद जी का एक म्यूजियम टाइप का है, ताकि लोग अच्छे मिलते गए, एक्सपीरियंस अच्छे होते गए, तो बढ़िया रहा यार सफ़र हो, मैं ऐसा सफ़र करना चाहिए, ज़रूरी है, पता चलना चाहिए क्रेजी क्रेजी किया है तुमने बहुत। सोलो ट्रैवल यार, कितने सारे अच्छे अच्छे लोगों से मिले, कितने अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, और क्या बढ़िया रहा है, क्या मैजिकल मोमेंट्स हुए। सोलो ट्रैवल की यही खास बात होती है कि बहुत मैजिकल मोमेंट्स होते हैं आपके साथ, क्योंकि आप अकेले निकले हो और कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एक ही जन आपको देख रहा है वो है भगवान, घर वाले भी नहीं देखते, भगवान ही देखता है आपको, और बढ़िया होता है सब कुछ मेरे हिसाब से। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये भी है कि कई लोग कहते हैं कि क्यों कर रहे हो वीडियो, क्यों देख बना रहे हो, क्यों डाल रहे हो, तो मैं कहूँगा कि मैं किसी और के लिए नहीं डाल रहा, बल्कि मैं अपने लिए डाल रहा कि यार आज से 10 साल बाद 5 साल बाद देख सकूँ और देख कहूँ कि क्या क्या किया है ऑलरेडी, यार क्या मज़ेदार जी है लम है। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो जॉब के बीच में संडे मिलता था, एक दिन मिलता था, तो घूमने चला जाता था एक दिन के लिए कहीं सोलो ट्रैवल, लेकिन अब 1 महीना होने को है और अभी भी घूम रहा हूँ, और अभी भी वापस जाने का सही बताऊँ तो मन नहीं हो रहा है अभी भी, और हाँ वापस जा भी नहीं रहा हूँ, अभी मैं केरला जाऊँगा, केरला में ना तिरुवनंतपुरम में एक सबसे वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है, तो उधर जाना है मुझे, फिर उसके बाद कोयम्बटूर, फिर मैं घर जाऊँगा। अच्छा इस जर्नी के लिए ना मुझे कुछ लोगों को थैंक यू बोलना है, जिन लोगों ने मेरी जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मदद की। सबसे पहले जो टॉप पे आती हैं वो मेरी फैमिली आती है, और फैमिली में सबसे टॉप पे आती है मेरी दीदी, मेरी बहन एक ऐसी है जिसने मुझे स्टार्टिंग से एंड तक सपोर्ट किया, हर वीडियो पे कमेंट किया, लाइक किया, सबसे ज़्यादा शेयर किया, सो यार सी इज़ द नंबर वन सपोर्टर ऑफ माइंड फॉर दिस जर्नी, फिर मम्मी पापा एंड ऑल, सो लेकिन वो सबसे टॉप पे रही हैं, तो थैंक यू सो मच। और फिर उसके बाद मेरे जो दोस्त हैं जिन लोगों ने मुझे कहीं कहीं जगह हेल्प की है, कहीं अगर कुछ सिटी रिकमेंड की, आप लोगों ने सिटी रिकमेंड की, तो वो आप लोग मेरे थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। जैसे संदीप भाई ने मुझे सिमाचलम किया था विजय विशाखापट्टनम के पास, और किसी ने मुझे ओरोविल किया, तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी सिटी रिकमेंड की थी, कमेंट में आप लोगों ने सिटी रिकमेंड की, उधर पर भी मैं आया, पौंडीचेरी गया मैं, पौंडीचेरी किसी ने रिकमेंड किया था, फिर उसके बाद तिरुवनंतपुरम पद्मभा स्वामी जी का टेम्पल भी रिकमेंड किया था, तो मैं गया, सब जगह गया, ठीक है आपने जो जो कहा मैं गया, तो थैंक यू सो मच आप सबका सपोर्ट करने के लिए। इंस्टाग्राम पे हमारी वीडियो बहुत वायरल जा रही है, 40,000 व्यूज़, 30,000, 20,000 व्यूज़,
7-8 वीडियो पे इतने अच्छे अच्छे व्यूज आए, 5,000-10 वीडियो पे व्यूज आए, तो बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पे सपोर्ट किया। यूट्यूब पे भी थोड़ा कर दिया, यूट्यूब पे बहुत कम सपोर्ट किया, बट ठीक है चलो, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो ये सब सपोर्ट सोचा भी नहीं था, बट आपने किया तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और कुछ लोगों को और थैंक यू बोलना है यार, जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मतलब ज़्यादा नहीं है बट एक दो लोग हैं जिन्होंने मुझे एक्चुअल में पैसे भेज दिए कि भाई मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद एक और पर्सन का थैंक यू, अभी कल मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब गुजरात में था तो गिरनार पर्वत एक चढ़ा था, तो उधर पर मुझे एक पर्सन मिले थे, विशाल भाई, विशाल भैया। खतरनाक मौसम कुछ नहीं, तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तूफान है ऑलमोस्ट, पर भाई वो ऑलरेडी साधना पता इधर पर ना रह चुके हैं 8 महीने 1 साल, तो वो पूरा उन्होंने बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी इधर के बारे में, उन्हीं के मतलब कहीं ना कहीं मेरा उधर से मन बना था कि आना है ऐसी जगह, तो उन्होंने मुझे 1,000 रुपये खुद से कल भेजे, मुझे कल मेरी बात वगैरह हुई थी, और मुझे सच बता रहा हूँ उन्होंने खुद से भेजे, मुझे बिल्कुल भी पैसों की सच में ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से फाइनेंशियली ठीक हूँ अभी, और मैं घर वालों से भी नहीं लेता हूँ, मेरे पास हैं ऐसे फंड्स कि मैं कर सकता हूँ अभी 1 महीना और कर सकता हूँ ट्रैवल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो कोई दिक्कत आती है तो मेरे दीदी बैठी हैं, मेरे घर वाले बैठे हैं जिनसे मैं कभी मांगता नहीं हूँ, लेकिन और मेरा ऐसे आदत है ना, सच बता रहा हूँ, मुझे किसी को प्रॉब्लम में डालना, मतलब प्रॉब्लम देना पसंद नहीं, किसी को डिस्टर्ब करना भी पसंद नहीं है, कि मैं खुद से चाहे जितना सफ़र कर लूँ, मतलब चाहे जितना प्रॉब्लम में मैं खुद घुस जाऊँ, लेकिन मुझे किसी को मांगना या करना मुझे अच्छा नहीं लगता जनरली, पता नहीं क्यों, मैं चाहे रोड पर सो जाऊँ लेकिन किसी से मांगूंगा नहीं। तो मेरे अंदर वो आदत है, मेरे पता नहीं गलत ख़राब आदत है अच्छी आदत है, तो उन्होंने खुद से भेज दिया, मैंने उनसे बोला कि भैया मैं आपको चलो हाल नहीं भेजता हूँ ना, आपको बुरा लग जाए तो मैं 1-2 दिन में भेज देता हूँ, लेकिन यार ये जेस्चर बहुत अच्छा लगता है सच में, मतलब और कई और भी लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट करके सपोर्ट किया, मतलब बहुत ज़्यादा बातों से हेल्प की, तो थैंक यू सो मच यार। मैं आपको ना एक्सपीरियंस बताता हूँ यार, जब मैं किसी से मिलता हूँ ना उन्हें बताता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ ट्रैवल में निकला हूँ, लोग इतना अच्छा काइंड जेस्चर करते हैं ना, मतलब जितना एक्सपेक्ट भी नहीं करते, खुद से बोलते हैं। मैं किसी को, मेरी पता एक आदत है, मैं किसी को भी नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो, वीडियो के एंड में बोलते ना वो अलग चीज़ें होते हैं यार, अब ऐसा बन गया रिच वो नहीं करो तो वीडियो अधूरी सी लगती है, लेकिन मैं किसी को भी पर्सनली नहीं बोलता कि आप सब्सक्राइब करो, मैं कभी भी नहीं बोलता, मुझे वो आइडिया ही नहीं, पसंद ही नहीं है, लेकिन लोग खुद से बोलते हैं भाई अपना चैनल बताओ, और खुद से सब्सक्राइब करते हैं, खुद से वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मैं किसी से भी नहीं कहता, और वो खुद से करते हैं, फिर मतलब कोई प्रॉब्लम हो, हेल्प हो, कन्याकुमारी में मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, रामेश्वरम में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, इधर पर कोयम्बतूर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उड़ीसा में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, या अनजान लोग तुम्हारी क्या बढ़िया मदद करते हैं, क्या अच्छा, मतलब वो अलग ही चीज़ होती है, और छत्तीसगढ़ में भी वो एक्सपीरियंस हुआ, तो यार मज़े आए, झारखंड में भी हुआ, मतलब कोई स्टेट बची नहीं यार, हर स्टेट में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस ही हुए हैं, मतलब ये जर्नी फाइनली एंड हुई है, और मैं चाहता नहीं था एंड हो, अभी मुझे गोवा भी जाना था, मेरी एक शर्ट रह गई है जो मैंने अभी तक नहीं पहनी पूरे, मैंने सोचा था गोवा में पहनूंगा, लेकिन अब क्या है ना, घर वालों का अल्टीमेटम आ चुका है कि 18 तारीख तक मुझे घर में चाहिए था, क्योंकि एक और अच्छा सरप्राइज है 22 तारीख के बाद, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। कैसा था वीडियो, देखिए भाई लाइक करी, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करते हो तो शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास सब नोटिफिकेशन आती है, तो कर दिया करो, आई विल फील मच बेटर।